अली भी अगला सवाल है, क्या ऊंट और गाय में 10 लोग भी शरीक हो सकते हैं? प्रेफरेबल तो यही है कि 7 लोग शरीक हों। इस पे मैंने काफ़ी तहकीक की है, अहले तशय्यो के यहाँ भी 7 मिलता है, हमारे यहाँ भी अहले सुन्नत में सही मुस्लिम में हदीस है, सुलह हुदैबिया के मौका पर नबी अलैहिस्सलाम ने गाय और ऊँट में 7 लोगों को शरीक किया। अलबत्ता तिर्मिज़ी में एक रवायत है कि ईद कुर्बान के ऊपर 10 को शरीक किया। बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं कि ईद कुर्बान पर 10 शरीक हो सकते हैं, लेकिन हज की कुर्बानी में 7 से ज़्यादा लोग शरीक ना हों। तो बेहतर यह है कि इसको 7 तक ही रखें, 7 वाला कॉल ही ज़्यादा मजबूत है। 10 भी को कर लेते हैं उसके ऊपर फतवा नहीं लगाते, और ये ज़्यादा से ज़्यादा है 7 हिस्से, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, एक बंदा भी एक गाय दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा 7। अली भी अगला सवाल है, क्या 2 भाई मिलकर 1 बकरा कुर्बान कर सकते हैं? 2 भाई मिलकर 1 बकरा नहीं कुर्बान कर सकते, क्योंकि 2 खानदान अलग है ना। 2 भाई मिलकर 1 बैल तो दे सकते हैं कि उसमें 2 हिस्से रख लें, 7 तो ज्यादा से ज्यादा है ना, 2 भी रख सकते हैं, आधा इसका आधा मेरा। लेकिन बकरी में 2 नहीं ना शरीक हो सकते, क्योंकि एक पूरी जान आपने एक खानदान की तरफ से देनी है बकरे की केस में, क्योंकि उसमें तो हिस्सा ही एक होता है। तो 2 भाई मिलके 1 बकरा ना दें, बल्कि वो बकरा खरीदने की बजाय वो बकरे की रकम आधी कर लें, तो 2 भाई जो है वो किसी तीसरे बंदे के बैल में 2 हिस्से डाल सकते हैं, अपना अपना हिस्सा डाल दें, तो इस तरह कर लें, बकरे में 2 भाई शरीक नहीं हो सकते। ठीक हो गया।